लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन में गतिरोध नहीं खत्म हो सका, जिसकी वजह से विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे और सदन में कामकाज नहीं हो सका। सत्रहवीं लोकसभा का यह छठा सत्र कामकाज की दृष्टि से मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। पिछले दो साल के अंदर, पांच सत्रों के अंदर सभी माननीय संसद सदस्यों के सक्रिय सहयोग से सदन की प्रोडक्टिविटी 122% रही। कोविड महामारी के समय भी माननीय संसद सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, देर रात्रि तक सदन में बैठे, चर्चा की, संवाद की, विधायी कार्य में हिस्सा लिया, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा। मेरी कोशिश रहती है कि सदन के कामकाज की दृष्टि से सदन की उत्पादकता हमेशा हर सत्र में अधिक बने, लेकिन इस बार गतिरोध टूटा नहीं, जिसके कारण सदन का कामकाज अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ। लेकिन सर, दोनों सदनों में सदस्यों का व्यवहार, लोकसभा और चाहे राज्यसभा, वहां पर जिस तरह से रहा, जो कि तो मीडिया में भी चर्चा का विषय रहा, साथ ही चिंता का भी ये विषय है। हमारे सभी माननीय संसद सदस्यों से मेरा आग्रह रहता है कि संसद के अंदर हमारा आचरण और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए, संसदीय परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। सभी माननीय सदस्य संसद की गरिमा को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। ये सदन सबका है, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूं कि सदन की गरिमा को बढ़ाने में माननीय संसद सदस्यों का सकारात्मक योगदान।